नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के सिलेबस को डिस्कस किया था और मैंने स्टूडेंट आपको एक क्विक ओवरव्यू दिया था कि हम लोग स्टूडेंट इन पांचों सब्जेक्ट की तैयारी किस प्रकार से करने वाले हैं, कौन कौन से पेपर आपको कौन कौन से सर पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, और वेब टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट हम लोगों ने डिटेल में हम लोग डिस्कस किया था कि स्टूडेंट क्या हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, आज स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर के सिलेबस को। ये पेपर स्टूडेंट आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। जिन लोगों को मेरे बारे में जानकारी नहीं है, मेरा नाम शुभम कुमार है और स्टूडेंट मैं पिछले 3 सालों से डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ सेमेस्टर के लिए, एज वेल एज स्टूडेंट जेई एंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे कि डीआरडीओ आईएसआरओ एंड पीएसयू के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर पेपर को। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं ताकि हमें स्टूडेंट जानकारी मिल जाए, एक क्विक ओवरव्यू हो जाए कि आखिर हम स्टूडेंट इस पेपर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस की, तो सबसे पहला जो यूनिट हमें दिया गया है ये दिया गया है स्टूडेंट नंबर सिस्टम। ठीक है, अब नंबर सिस्टम क्या होता है सर? हमने बचपन में पढ़ा था इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्या वही नंबर सिस्टम हमें पढ़ना है? बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अपने कंप्यूटर सिस्टम की, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग कोड को फॉलो किया जाता है। लाइक कोई कोई बीसीडी फॉलो करता है, कोई एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल फॉलो करता है, कोई ग्रे कोड को फॉलो करता है। तो ये जो कोड होते हैं अलग अलग, ये क्या होते हैं और ये कौन से नंबर सिस्टम का यूज करते हैं? लाइक हमारे पास कई सारे बेस के नंबर सिस्टम होते हैं। जो नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं स्टूडेंट आज प्रेजेंटली, मतलब कि अपने जनरल लाइफ में, वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। जैसे अगर मैं स्टूडेंट लेट से यहाँ पे लिखता हूँ 100, ठीक है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए ये क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर ये 100 है। तो अगर आप इसको 100 बोल रहे हैं तो आप इसे बेस 10 में बोल रहे हैं। ये बेस 10 में क्या है बालक? 100। और अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताइए बालक ये बेस 2 में क्या लिखा हुआ है, अगर स्टूडेंट हम 10 लिख दे लेट से बेस 2 में, और मैं आपसे पूछूं कि ये क्या लिखा, आप बोलिएगा 10। नहीं, ये गलत हो जाएगा, 10 लिखा हुआ है, ये बेस 10 में लिखा हुआ है। अगर स्टूडेंट हम बेस 2 में बात करें, अगर हम बाइनरी में बात करें, तो ये स्टूडेंट आपका 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपसे सेम पूछ दूं, आपसे पूछ दूं कि जिसको आप 10 बोल रहे थे बताइए ये बेस 8 में क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलिएगा कि सर ये 8 लिखा हुआ है ना। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? इस 100 को मैं बोल दूं कि ये बेस 8 में क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलिएगा कि सर ये 64 लिखा हुआ है ना। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है, कैसे ये हो पा रहा है? और एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी को फॉलो करता है ना। हम ये सब पढ़ चुके हैं थोड़ा थोड़ा फंडामेंटल में। तो हम लोग स्टूडेंट उन नंबर सिस्टम के बारे में, सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक नंबर सिस्टम होते हैं लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसके बारे में समझने वाले हैं। और नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका स्टूडेंट कोर ब्रांच एक तरीके से कहिए, जो आपका कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन डिग्री है जिसमें आप अपना डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो अब स्टार्ट हो चुका है। और अब आपको जो भी पढ़ने के लिए दिया जाएगा वो आपके ब्रांच का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, और आप आगे जा करके अपने करियर में क्या कीजिएगा आप पे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें स्टूडेंट, यदि आपको नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में नहीं आया, तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, इवन अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उठा लीजिएगा, अगर आपका आपको बाइनरी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहां पे स्टूडेंट आपको प्रोग्रामिंग में समस्या होगी, आपको डेटा टाइप समझने में समस्या होगी। ठीक है, हम किसी भी सब्जेक्ट को उठा ले, चाहे हम कंप्यूटर नेटवर्क को उठा ले, अगर हमें स्टूडेंट वहां पे डेटा को कम्युनिकेट कराना है हमें बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की बात कर ले, अगर हमें स्टूडेंट डेटा को ट्रैवल कराना है, अगर हमें डेटा को स्टोर करना है मेमोरी में, तो मेमोरी में किस फॉर्म में किस कोड का यूज किया जा रहा है वो हमें समझ में आना चाहिए। अर्थात जो नंबर सिस्टम है ये हमारा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट्स व्हाई हमें यूनिट 1 में दिया गया है। और ये आपको स्टूडेंट टिल द 6th सेमेस्टर और आगे जब आप बीटेक कीजिएगा, एमटेक कीजिएगा, गेट का पेपर दीजिएगा, आपको नंबर सिस्टम काम आने वाला है, वहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है,
नंबर सिस्टम पढ़ेंगे स्टूडेंट, और फिर हम देखेंगे कैसे एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे अगर हमें बाइनरी दिया गया है तो कैसे हम हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं, अगर हमें हेक्साडेसिमल गिवन है कैसे ऑक्टल में कर सकते हैं, ये हम स्टूडेंट देखेंगे। फिर उसके बाद हम अलग अलग कोड को पढ़ेंगे, जैसे बाइनरी कोड डेसिमल हो गया, एक्सेस 3 कोड हो गया हमारा, ग्रे कोड हो गया, वेटेड कोड क्या होता है, नॉन वेटेड कोड क्या होता है, इसके बारे में स्टूडेंट हम लोग समझेंगे। और लास्टली यहाँ पे जो आपको बाइनरी अरिथमेटिक दिया गया है, देखिए हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है स्टूडेंट, हम ये जान रहे हैं कि वो बाइनरी को फॉलो करता है। किसे फॉलो करता है? बाइनरी को फॉलो करता है जिसमें 0 और 1 होते हैं। अब अगर मान लिया जाए हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, अगर हम करते हैं 2 + 3, तो हमें पता है कि ये जो 2 + 3 होगा ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इस प्रकार से नहीं होगा भाई। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो 2 + 3 होगा, 2 बाइनरी में लिखा होगा, 3 बाइनरी में लिखा होगा, एंड देन इन दोनों का एडिशन होगा। तो ये जो बाइनरी अरिथमेटिक होता है, अर्थात जो हमारे एडिशन ऑपरेटर है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, ये कैसे परफॉर्म किया जाता है किसी बाइनरी नंबर पे, ये हम बाइनरी अरिथमेटिक में समझने वाले हैं। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट स्टूडेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे स्टूडेंट आप जो भी फर्दर स्टडी कीजिएगा, चाहे हम इस सेमेस्टर में भी देख ले, अगर आप सी लैंग्वेज में डेटा टाइप पढ़िएगा तो आपको बिना नंबर सिस्टम के समझ में आने वाला है नहीं। तो मुझे पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ाना होगा, देन आपको ध्रुव सर डेटा टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट अब हमारा जो एक्चुअल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सेकेंड यूनिट से स्टार्ट हो जाता है। हम आपको जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे हम आपको डिजिटल सर्किट, जनरली हमें डिजिटल सर्किट के बारे में ही पढ़ने के लिए दिया गया है। अब जो हमारा स्टूडेंट सर्किट होता है, डिजिटल सर्किट होता है, हम उसे दो कैटेगरी में ब्रोडली डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा सिक्वेंशियल सर्किट होता है, दूसरा हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। ये सिक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट ही हमें थ्रू आउट द सिलेबस पढ़ने के लिए दिया गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। जैसे अगर हम बात करें स्टूडेंट लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स की, रजिस्टर्स की, ये सभी स्टूडेंट हमारे सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास काउंटर्स आ जाएंगे, इनकोडर आ जाएगा, डिकोडर आ जाएगा, ये सभी स्टूडेंट हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें सिक्वेंशियल सर्किट्स एंड देन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। अब लाइक ये जो लॉजिक गेट्स हैं ये क्या होते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब आपको यहाँ पे एक बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होता है वो आपको स्टूडेंट यहाँ पे दिया जाएगा कि कैसे जो लॉजिक गेट्स है ना, जैसे आपके पास स्टूडेंट बेसिक लॉजिक गेट्स कितने होते हैं, एक हमारा नॉट होता है, दूसरा और होता है, तीसरा एंड होता है। फिर हम देखेंगे कि कौन से हमारे पास स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट होते हैं, है ना, कौन से यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देन स्टूडेंट हम फ्लिप फ्लॉप को बनाना सीखेंगे, उनके ट्रुथ टेबल को डिजाइन करेंगे। हम आपको स्टूडेंट ऐसा तरीका बताएंगे कि आप किसी भी ट्रुथ टेबल को देख करके सीधे आप उसका सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, कोई बीच में आपको यहाँ पे जो है स्टेप परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। ट्रुथ टेबल गिवन है, आप सीधे सर्किट बना दीजिएगा, ठीक है। आपको इक्वेशन गिवन है, आप वहां से सर्किट डिजाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे सीखेंगे। देन ये जो नेक्स्ट आपको यूनिट थर्ड दिया गया है ये बहुत ही सिंपल है, केवल एक इसमें टॉपिक है रजिस्टर, और बाकी सारे जो आपको दिए गए ये सारे रजिस्टर्स के ही स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन है, इन सभी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और यूनिट नंबर 4 में फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा काउंटर। ये सब डिजिटल सर्किट्स हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें क्या पढ़ना है, सर्किट्स के बारे में पढ़ना है। देन माइक्रो प्रोसेसर आपका एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है यहाँ पे, तो काउंटर हम यहाँ पे जानेंगे। इसी में आपको इनकोडर एंड डिकोडर का भी कॉन्सेप्ट दे दिया गया है, एंड मल्टीप्लेक्सर आई थिंक यहाँ पे नहीं दिया गया है ना। मल्टीप्लेक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हम लोग उसे भी पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 की बात करें, अच्छा यहाँ पे है लॉजिक फैमिलीज, यहाँ पे दिए गए हैं सर्किट दिए गए हैं। लाइक यहाँ पे हमें हाफ एडर, फुल एडर के बारे में, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर के बारे में, एंड देन मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें केवल थ्योरी ही नहीं है, इसमें थ्योरी भी है, इसमें हमें इक्वेशन भी निकालना है, हमें ट्रुथ टेबल भी बनाना है, एंड देन हमें सर्किट भी डिजाइन करना है। और इन सभी सर्किट्स के लिए, चाहे वो हाफ एडर हो, चाहे वो फुल एडर हो, चाहे वो हाफ सबट्रैक्टर हो, चाहे मल्टीप्लेक्सर हो, चाहे वो हमारा डीमल्टीप्लेक्सर हो, ईच एंड एवरी के लिए स्टूडेंट मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको उसका ट्रुथ टेबल से इक्वेशन डिराइव करना सिखाऊंगा, देन मैं आपको डिजिटल सर्किट्स कैसे बनाते हैं वो स्टूडेंट मैं आपको सिखाऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये पेपर होने वाला है स्टूडेंट। देन हम यहाँ पे पढ़ेंगे एडी अर्थात एनालॉग टू डिजिटल, एंड डीए दैट इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, कैसे हम एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको यूनिट 6 में पढ़ना है।
देन जो आपको यूनिट 7 में दिया गया है, बेसिकली ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन अब चूंकि हमें एसबीटी बिहार के द्वारा ऑफिशियल सिलेबस में दे दिया गया है तो हम इसे पढ़ लेंगे। लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये कहीं से भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। देखिए यूनिट नंबर 7 में आपको क्या पढ़ने के लिए दिया गया है, मेमोरी वगैरह के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है, लाइक मेमोरी क्या होता है, कैसे हम मेमोरी का बेसिकली यूज वगैरह करते हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ये सब कुछ चीजें आपने ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ आईटी सिस्टम में पढ़ रखा है, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में पढ़ रखा है, तो आपको ये सभी जानकारी होगी। स्टैटिक मेमोरी क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी क्या होता है, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है ना, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ना है, इनके बेसिक ऑपरेशंस कैसे ये कार्य करते हैं और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इनका उपयोग किया जाता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। और लास्टली हमें स्टूडेंट डिटेल में पढ़ना है डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले, डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले क्या होता है, क्या वर्किंग मैकेनिज्म है, विद डायग्राम एंड फिगर हम लोग यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे आपका बालक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जब हम बीटेक स्तर पे पढ़ते हैं ना, जैसे हम लोग को बीटेक में क्या करना होता है, एक अलग पेपर ही होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर का, हालांकि वहां पे हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना होता है 8085 एंड 8086 के ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शंस को, ईच एंड एवरी फंक्शनलिटी को, लेकिन आपको यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही एक यूनिट ऐड करके दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर का। देखिए माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि जो हमारा सीपीयू होता है उसी को हम प्रोसेसर कहते हैं और इसे हम माइक्रो प्रोसेसर कह रहे हैं, है ना, तो ये प्रोसेसर ही है आपका। अब देखिए हम देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन, यानी कि थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आएगा, एंड देन स्टूडेंट उसके बाद हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे कि उसका आर्किटेक्चर आखिर कैसा था, है ना, हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कैसे 8085 प्रोसेसर को डिजाइन किया गया था, देन स्टूडेंट हम उसके बाद उसी प्रकार से 8086, ये दोनों नाम है माइक्रो प्रोसेसर के नाम है 8085 एंड देन 8086, इनके आर्किटेक्चर को, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज किए जाते थे, पिन डायग्राम को समझेंगे, फ्लैग रजिस्टर को देखेंगे, इन सभी चीजों को हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा रहा सिलेबस माइक्रो प्रोसेसर का एंड देन फाइनली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर का। अब स्टूडेंट ये जो आपकी कक्षाएं हैं, ये जो आपकी लाइव क्लास है, ये स्टार्ट होगी टेक्निकल क्लासेस के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। हमारा जो डेमो क्लास होगा, आगे की 2-3 क्लासेस स्टूडेंट आपको बिल्कुल निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाएगी। इसके लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में से टेक्निकल क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल कर लें या गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और सर्च करें टेक्निकल क्लासेस। वहां पे पेड कोर्स में जाने के पश्चात आप थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बैच में जाएं, यहाँ पे आपको स्टूडेंट लाइव क्लास मिलेगा और वहां पे स्टूडेंट आपको पेमेंट करने का भी ऑप्शन मिलेगा, आप ईएमआई पर भी पेमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्टूडेंट आप हमारे टीम टेक्निकल क्लासेस को कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जहां पे मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 1, जो कि हमारा नंबर सिस्टम, और डिटेल में स्टूडेंट हम लोग समझेंगे जो हमारे पास बेसिक बेसिक नंबर सिस्टम होते हैं, लाइक बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। रेफरेंस बुक की अगर हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास ए आनंद का बुक आता है, फंडामेंटल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, रेड कलर का आता है, पता नहीं अब कवर चेंज हो गया क्या, आप स्टूडेंट उसे परचेज कर सकते हैं। क्या यहाँ पे नेम गिवन है, यहाँ पे नेम गिवन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट आपको जो बुक बताया है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आप स्टूडेंट उसे परचेज कीजिए, ए आनंद कुमार, और आप वहां से स्टूडेंट रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब स्टूडेंट हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।